अर्चना जी, पिछले कुछ सालों में हमारे देश ने अलग अलग क्षेत्रों में काफी तरक्की की है और इनमें से एक है स्पोर्ट्स। आज बहुत सारे खेलों में हमारे खिलाड़ी जो हैं इंटरनेशनल लेवल पर छाए हुए हैं और उन्हीं में से तीन हैं आज के हमारे खास मेहमान। तो मैं यहाँ इन्वाइट करने जा रहा हूँ इंडिया के चैंपियन रेसलर्स पद्मश्री योगेश्वर दत्त जी और पद्मश्री साक्षी मलिक और इंडिया की नंबर वन महिला टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल, 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 दंगल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तेरा जड़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल, दंगल। साक्षी, मणिका और योगेश्वर के लिए जोरदार तालियां। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। बाप रे बाप रे, धन्यवाद, थैंक यू। बस ठीक है, आप कैसी हैं? ये दोनों पहलवानों से तो हाथ मिलाते मुझे डर लग रहा था कि ऐसे करके ऐसे ना कर दें। मनिका, आपसे थोड़ा डर मुझे कम लगा। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे देश का गौरव है आप, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। वैसे तो आप सब जानते हैं लेकिन फिर भी मैं आपकी याददाश्त थोड़ा और ताजा कर दूं कि योगेश्वर जो है 2012 ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। साक्षी ने 2016 रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इस तरह ये ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी। और मनिका पहली इंडियन महिला प्लेयर हैं जिन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। आपको बहुत बहुत बधाई। पाजी क्या मतलब, मैंने आपको हमेशा ही ना पहलवानों वाले कपड़ों में देखा है, आज आपको सूट बूट में देखा ना, शर्ट तो देखो फट रही है ऐसे, मतलब बंदे की बॉडी देखो कितना। आपने मौका ही आज दिया दिखने का। पाजी हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते ना, हमें लग रहा है आप हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, आप मेडल पे मेडल जीत रहे हैं, सो आज बड़ा अच्छा लग रहा है आप तीनों को यहाँ पे देख के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी हैं आप साक्षी? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत अच्छी जी। मुझे लोग कई कई बार बोलते हैं कि आपके शो में जो महिला जो आती हैं सेलिब्रिटीज, तो आप उनसे फ्लर्ट किया करें। मैं ना वो हम वैसे ही करते हैं साक्षी, मेरी बहन। हम लोग ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं, हमारी कहाँ हिम्मत ऐसे घुटने में सर देके हमारा खोपड़ खोल दे। तो साक्षी आप स्कूल टाइम से रेसलिंग करती हैं? हाँ, मैं स्कूल टाइम से रेसलिंग करती हूँ। अच्छा, मैंने 7th स्टैंडर्ड से शुरू किया था। वाओ, हाँ। तो स्कूल में कभी आपकी सहेलियां बोलती नहीं थी मेरा उससे लफड़ा हो गया, पीट दे उसको, ऐसे ऐसे कभी ऑफर आई? मैं आपको बताना चाहूंगी कि वैसे मेरा नेचर बहुत शांत है, मैं कभी लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ती। शांति तो ये कभी मत सोचना आप लोग कि रेसलिंग वाले बाहर भी मतलब सबसे लड़ाई झगड़ा करते होंगे। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है जी, आप तो ऐसे रहें, शांति रहें आप। दोस्त बनकर हूँ तेरा, साथ निभाने वाला, दोस्त मिलता नहीं जान लुटाने वाला। ओ मैनु ले चल, हाय नी ले चल, ओ मैनु ले चल, हाय नी ले चल, ओ मैनु ले चल कुड़िए नाल, मेरी तावच मैनु ले चल कुड़िए नाल, मेरी तावच दी मैनु ले चल कुड़िए नाल, मेरी तावच दी, ओ मैनु ले चल कुड़िए नाल, मेरी तावच मैनु ले चल कुड़िए नाल, मेरी तावच दी, मेरी तावच दी, मेरी तावच दी। स्वागत कीजिए पॉप की द वन एंड ओनली दलेर मेहंदी। पाजी आपने सरप्राइज दे दिया आज, वेलकम। जो सरप्राइज है वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, मुझसे भी बड़ा, क्योंकि अच्छा आप भी नहीं सोच सकते कि वो क्या है। अच्छा जी, और वो आपके लिए। अब मुझे क्या मिलने वाला है? आप हरदम छाए रहते हो हर जगह, मैं तो ट्विटर पे भी नहीं जाता, अब मेरा क्या, अब तो अब मैंने क्या कर दिया,
जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनके चाहने वाले इंक्लूडिंग मी पूरा वर्ल्ड सबको ये जान के खुशी होगी कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड 70 देशों ने ये चुना कि सबसे लोगों को खुशियाँ बांटने वाला हंसाने वाला इंसान अर्थ में कौन है तो वो है क्योंकि ये अवार्ड अगर इंडिया से होता तो बड़ी खुशी की बात है लेकिन चार चांद इसलिए कि ये लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने चुना है कपिल भाई को थैंक यू और मैं चाहूँगा कि जो वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं विनोद शुक्ला जी और मुंबई हेड उस्मान भाई जो आए हुए हैं वो भी हमारे साथ प्लीज स्टेज आए स्टेज शेयर करें मैं चाहूंगा शुक्ला साहब थोड़ी आप रोशनी डालिए सबसे पहले बधाइयां कपिल शर्मा जी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में लंदन की तरफ से आपका नाम दर्ज हो रहा है और जो वो कंटेंट तैयार हुआ है 70 देशों का मैं बताना चाहूंगा दलेरपा जी कि वो थीसिस है वो शोध पत्र है जिस पर पीएचडी की जाएगी वाओ और इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी पर शोध करके पीएचडी की गई और मैं सबको बधाई देना चाहूंगा खास तौर पर कपिल पाजी थैंक यू सो मच वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की पूरे 70 देशों की टीम को तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं थैंक यू शुक्ला जी थैंक यू सो मच और चूंकि हमारा हिंदुस्तान संस्कृति और परंपराओं का देश है तो अगर छोटे भाई को बड़ा भाई सम्मान प्रदान करता है तो छोटे भाई का भी फर्ज बनता है कि वो साल श्री फल से दलेर पाजी का सम्मान करें पाजी मुबारक हो शुक्ला जी थैंक यू सो मच इस ऑनर से आपने मुझे नवाजा इस अवार्ड से और ये हौसला देता है एक आर्टिस्ट को जब आप उसके काम की सराहना होती है सो मेरे पास शब्द नहीं एक्चुअली मुझे कभी इतनी इज्जत ज़्यादा मिली नहीं है तो थैंक यू सो मच दलेर पाजी लव यू पाजी थैंक यू उस्मान जी शुक्रिया थैंक यू फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़